ये जो देख रहे हो सामने चार्ट बना हुआ है, इसको कहते हैं तंबोला। ठीक है, क्या कहते हैं? तंबोला। इसमें करना क्या है, इसमें कई सारे अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जिसको ज्यादा आता होगा पर्यायवाची, ज्यादा आते होंगे वो ज्यादा इसमें ढूंढ लेगा, हैं? और जिसको पर्यायवाची नहीं आते वो नहीं ढूंढ पाएगा। जिसको जैसे नॉर्मल शब्द जैसे घोड़ा ही मालूम है तो इसमें घोड़ा उसको दिख जाएगा। ठीक है, और जो पर्यायवाची जानता है वो इसमें अंबर भी ढूंढ लेगा, वरना अंबर अगर तुमको नहीं पता है तो नहीं ढूंढ पाओगे। अंबर का अर्थ वैसे होता क्या है? अंबर पता है नहीं पता, जब अर्थ ही नहीं पता तो उसको ढूंढोगे नहीं, सामने लिखा होगा नहीं ढूंढोगे, इसलिए पर्यायवाची जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें जितने शब्द जो कोई ढूंढेगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। अंबर ये लिखा हुआ है, देखिए अंबर, अंबर का अर्थ होता है आसमान। क्या होता है? आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, ये आसमान के पर्यायवाची हैं। अभी शून्य लिखा होता। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे तुमको शब्द मिल जाएंगे, निरर्थक शब्द नहीं ढूंढने हैं, सार्थक शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, ढूंढ करके शब्द और अपनी कॉपी में लिखो और हम फिर देखेंगे कि किसने कितने शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, घोड़ा मिलेगा तुमको, कमल है लिखा हुआ है ना, हो सकता है रथ भी लिखा हो। ठीक है,